आर्ट्स, मैं यहीं से आपको फ्लाइंग किस भेजता हूँ। जितना ये खूबसूरत सा गाना है दोस्तों, देवोस्मिता रॉय ने उतनी ही खूबसूरती के साथ में और उतनी ही नखरे अंदाज में इस गाने को प्रेजेंट किया है, जिसे सुनने के बाद में हमारे सभी जजेस इनके गाने में मानो कहीं खो से गए थे। और आए हुए मेहमान कलाकार सुभाष गई जी ने इन्हें फ्लाइंग किस देने की बात भी बताई है। आपको बता दूं, इंडियन आइडल 13 का यह वीकेंड दोस्तों सेलिब्रेटिंग मुक्ता आर्ट्स मनाया जा रहा है, जो कि सुभाष गई जी की मौजूदगी में होने वाला है। और इसमें हमारे सभी कंटेस्टेंट अपना सोलो परफॉर्मेंस सुभाष गई के फिल्मों के ऊपर में ही अपना दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां की देवोस्मिता रॉय ने फिल्म राम लखन का यह सुपर डुपर हिट गाना है दोस्तों तेरा नाम लिया तुझे याद किया, जो कि 1989 में आई थी और इसे मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल जी ने अपनी आवाज दी है। उस गाने को देवोस्मिता ने इतनी खूबसूरती के साथ में पेश किया है और साथ ही साथ हमारे इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट इनके इस गाने के ऊपर में साथ देते हुए भी दिखाई पड़े हैं। सभी लड़की बने हुए स्टेज के ऊपर में डांस परफॉर्म करते हुए दिखे हैं, जिसे देखने के बाद में नेहा कक्कड़ जी काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हो जाती हैं। और इनके इस परफॉर्मेंस पर हमारे सभी जजेस ने काफी ज्यादा एंजॉय किया है। वहीं देवोस्मिता रॉय ने भी इस गाने को बहुत ही शिद्दत के साथ में प्रेजेंट किया है दोस्तों, जिसे सुनने के बाद में सुभाष गई जी ने इनकी जम के तारीफें की हैं और फ्लाइंग किस देने तक की बात बताई है। तो कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइएगा कि देवोस्मिता रॉय का यह लाजवाब परफॉर्मेंस जो उन्होंने सुभाष गई जी की मौजूदगी में किया है, आपको कैसा लगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और इंडियन आइडल 13 के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रभात जागरण।